नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। नया वेरिएंट पूरी दुनिया के देशों में दहशत फैला रहा है, लेकिन सेकेंड वेव में मची हुई तबाही को हम भुलाकर फिर से बेपरवाह बने हुए हैं। और इस रिपोर्ट के जरिए समझिए हम नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कितने तैयार हैं। दिल्ली के सरोजिनी नगर का हाल देख लीजिए। ऐसा लग रहा है इक्का दुक्का लोगों को ही मास्क के बारे में पता है। कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही भयंकर थी और अब अफ्रीकन वेरिएंट के बाद कोरोना का खतरा एक बार फिर देश पर मंडराने लगा है, जिसको लेकर अलग अलग कदम उठाए जाने हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कोरोना के अप्रोप्रिएट बिहेवियर। किसी ने मास्क लगाया है तो भी नाक के नीचे। मैम आपसे बात कर सकते हैं? मास्क आपने ठीक से नहीं लगाया, वजह? लग रहा है आपको अब अफ्रीकन वेरिएंट आ रहा है, वो बड़ा खतरा है। मैं सब देखिए, जवाब नहीं देंगे। यही हाल लखनऊ के बाजार में भी दिखा। अरे आप लोग तो न्यूज में न्यूज। हाँ। मास्क नहीं लगाया आपने, नया वेरिएंट है, परेशानी कर रहा है। आपको पता है मास्क लगाने से भी कुछ हो रहा है? नहीं पता आपको? मुजम्मिल भाई, मास्क नहीं लगाए हो, नया वेरिएंट आ गया, डर नहीं लग रहा? जी लगाए थे मास्क। अच्छा जी, नहीं लगाए हो, संक्रमण है? वैक्सीन लेने वालों ने तो मास्क से भी परहेज कर लिया है, लेकिन अगर इसकी भयावहता को समझना है तो दुनिया के समृद्ध 3 देशों की इन तस्वीरों को देख लीजिए और उस डर को समझिए जो ओमिक्रॉन की वजह से फैला है। अब कोविड के फैलने के रफ्तार पर गौर कीजिए। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है। महाराष्ट्र की बात करें तो 507 नए केस आए, जबकि 17 लोगों की मौत हो गई। केरल में 4741 नए केस आए, 554 लोगों की जान चली गई। पश्चिम बंगाल में 701 नए मरीज सामने आए तो 11 लोगों की जान गई। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 5 नए केस सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। ऐसे ट्रैवलर जो इंटरनेशनली पहले किसी दूसरे डोमेस्टिक स्टेशन पे आते हैं फिर लखनऊ आ रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर के आज एक इम्पोर्टेंट बैठक की गई और इसके एक प्रोटोकॉल को निर्धारित किया गया है। जरा मैं आपको आंकड़े बता दूं तो लखनऊ में 2 टर्मिनल से 1 डोमेस्टिक और 1 इंटरनेशनल, 9 हमारी एवरेज प्रतिदिन इंटरनेशनल फ्लाइट आती है, लगभग 1800 से 2000 पैसे। ये निःशुल्क हम लोग के द्वारा हर एक जो आवक रहेंगे इंटरनेशनल फ्लाइट से, इनकी आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य रूप से करेंगे, ये निःशुल्क रहेगा। और जो हमारे डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं, इसमें हमारे 10 ऐसे डेस्टिनेशन हैं जिसमें जैसे दिल्ली, मुंबई, कोचीन और इस प्रकार के जो हमारे डेस्टिनेशन से बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, 10 डेस्टिनेशन को चिन्हित किया गया है जहाँ पर हम रैंडम प्रतिदिन 10% लोगों की आरटीपीसीआर टेस्टिंग कराई जाएगी और सभी की अनिवार्य रूप से थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी, और किसी का भी अगर थर्मल स्क्रीनिंग का टेम्परेचर मानक से ज़्यादा पाया जाता है तो उसकी भी अनिवार्य रूप से उनकी भी निःशुल्क आरटीपीसीआर टेस्टिंग कराई जाएगी। इसके लिए अलग से टीमें डिप्लॉय करी जा रही हैं और यह व्यवस्था जनपद लखनऊ में दोनों एयरपोर्ट टर्मिनल्स पर, हमारे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक पे, कल प्रातः 4 बजे से लागू होगी। देश के तमाम आंकड़ों को देखें तो राहत की खबर फिलहाल यूपी से ही आई है, जहां सबसे कम केस सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार किसी भी तरह की कोताही बरतना नहीं चाहती। लखनऊ से निखिल शर्मा, टीम न्यूज स्टेट। दक्षिण अफ्रीका में मिला कोरोना का यह वेरिएंट पूरी दुनिया को डरा रहा है और जिस ओमिक्रॉन वेरिएंट को अब तक का सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला वायरस बताया जा रहा है, तो विशेषज्ञ मान रहे हैं कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर डबल वैक्सीन लेने वाले लोगों को भी खतरा है। तो क्या एक बार फिर से सरकार को लॉकडाउन पर विचार करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से शुक्रवार शेयर मार्केट के लिए ब्लैक फ्राइडे बना उससे तो यह साफ जाहिर हो रहा है कि ओमिक्रॉन के आने वाले दिनों में बाजार के लिए संकेत अच्छे नहीं है। ओमिक्रॉन के चलते पूरी दुनिया में अब कोरोना की नई लहर का खतरा कई गुना बढ़ चुका है
ओमिक्रॉन अब तक के तमाम पिछले वेरिएंट से सबसे ज्यादा कंटेजियस यानी तेजी से फैलने वाला वायरस बताया जा रहा है। रिपोर्ट आई है कि एक नया स्ट्रेन B.1.1529 साउथ अफ्रीका में पहले पाया गया और फिर उसके बाद हांगकांग में, बेल्जियम में, बोट्सवाना में आया और जैसी अभी खबर आ रही कि 7 और देशों में फैल गया है और WHO ने भी इसको इस पे चिंता की और वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है और इसका नामकरण भी किया ओमिक्रॉन। और इस संदर्भ में अभी हम लोग को 4:30 बजे एक पूरे प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर सभी के साथ एक बैठक थी जूम पे, उसमें सब डिस्कशन हुआ। उसमें डॉक्टर अरोड़ा जो हमारे नेशनल टास्क एजेंसी के वो चेयरमैन हैं वो भी सम्मिलित हुए थे, उन्होंने भी काफ़ी उसमें निर्देश दिए। दक्षिण अफ्रीका में मिला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अपने पहले के डेल्टा वेरिएंट से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, जिसने भारत समेत कई देशों में इसी साल अप्रैल और मई में कोहराम मचाया था। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को वैज्ञानिक जितना संक्रामक मान रहे थे, ये कहीं उससे ज्यादा संक्रामक और बेहद तेजी से फैलने वाला साबित हो रहा है। 4 दिन पहले तक ओमिक्रॉन नाम का ये नया वायरस सिर्फ 4 देशों में सिमटा था, लेकिन 4 दिनों के भीतर ही इसका दायरा 9 देशों तक पहुंच गया। मतलब एक ओर दुनिया के तमाम मुल्क एक के बाद एक अफ्रीकी देशों पर ट्रेवल बैन लगा रहे हैं, जबकि इस ट्रेवल बैन से पहले ही कई मुल्कों में ये वायरस का नया वेरिएंट पहुंच गया है। कोरोना के इस नए अफ्रीकी वेरिएंट से भारत भी अलर्ट है। इंटरनेशनल ट्रेवलर आ रहा है, उससे कहा जाएगा इरिस्पेक्टिव को वैक्सीनेटेड है कि नहीं है, वो अपने घर पे रहे और अपने लक्षण देखता रहे और हम लोग उससे कम्युनिकेट करते रहेंगे। यदि कोई लक्षण होता है तो तुरंत उसको क्वारंटीन किया जाएगा, उसका इलाज किया जाएगा। और यही हम लोग का ये कंसर्न है कि जो अभी मालूम ही नहीं है कि किस किस कंट्री में होगा और कहां से ट्रेवलर इस वायरस को लेके आएंगे देश में, प्रदेश में। भारत सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ाने को कहा है। हम सब लोग तैयार हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी तैयार हैं, हर दिन समीक्षा करते हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार तैयार और तत्पर है। किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो उसका समाधान किया जाएगा और जनता जनार्दन को हर तरीके की सुविधा दी जाएगी। एयरपोर्ट पर विशेष निगरानी बरती जा रही है, बकायदे माइक से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोग मास्क को कैरी करें। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर यह भी तय कर दिया गया है कि जो भी यात्री उन देशों से आएंगे जहां ये नया वेरिएंट मिल रहा है, उनकी विशेष निगरानी की जाएगी, उनका RT-PCR टेस्ट होगा और उन्हें 10 दिनों तक आइसोलेशन में रहना होगा। यही नहीं, एयरपोर्ट पर जो सामान्य यात्री भी आ रहे हैं उन्हें भी इस बात के लिए ताकीद किया जा रहा है कि वो मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पहले और दूसरे फेज में जब संक्रमण उत्तर प्रदेश में आया था और चरम पर था तो बहुत जनहानियां हुई थी, लिहाजा सरकार ने तय कर लिया कि इस बार किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। लखनऊ से वुडनलिस सफलसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज से उत्तर प्रदेश। तो लगातार इस वायरस का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है और भारत इससे प्रभावित ना हो इसको लेकर लगातार जो है वो इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर तुलिका चंद्र जुड़ रहे हैं, हेड है ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन KGMU में, उनके पास हम चलेंगे। डॉक्टर तुलिका, बहुत स्वागत है आपका। तो उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, उससे पहले हम आपको बता दें लगातार न्यूज स्टेट इस पर मुहिम भी चला रहा है और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा सके और हम लगातार उसमें भी कोशिश में लगे। लेकिन विशेषज्ञ मान रहे हैं कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर डबल वैक्सीन लेने वाले लोगों को भी खतरा है, तो क्या एक बार फिर से सरकार को लॉकडाउन पर विचार करना पड़ सकता है? क्योंकि जिस तरह से शुक्रवार को शेयर मार्केट के लिए ब्लैक फ्राइडे बना उससे तो यह साफ जाहिर हो रहा है कि ओमिक्रॉन के आने वाले दिनों में बाजार के लिए संकेत अच्छे नहीं है।
ओमिक्रॉन का शुक्रवार को शेयर मार्केट पर क्या असर हुआ, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 7 महीने की सबसे बड़ी गिरावट के बाद शेयर बाजार के निवेशकों का 7.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। मंडे को भी शेयर बाजार पर इसके असर से इनकार नहीं किया जा सकता। डाउनफॉल है, नॉट ऑन सब्सटेंस, ये पूरी तरह से सेंटीमेंट, और हमको मालूम है कि शेयर मार्केट जो है ज्यादातर सेंटीमेंट्स का गेम है। दुनिया भर के शेयर बाजार में ये गिरावट नए वेरिएंट पर वैक्सीन के बेअसर होने की बात और दुनिया भर के देशों में लॉकडाउन की लटक रही तलवार के मद्देनजर हुआ। तो क्या आने वाले दिनों में लॉकडाउन के लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर तुलिका चंद्र जुड़ रहे हैं जो कि हेड है ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन केजीएमयू में। डॉक्टर तुलिका, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट पर। जी नमस्ते। जी ओमिक्रॉन की अगर हम बात करें, इस वायरस को लेकर अलग अलग बातें की जा रही हैं, कुछ तथ्य हमने दर्शकों के सामने रखने की कोशिश की है, लेकिन कितना खतरनाक है ये वायरस? वायरस के खतरनाक के बारे में शायद पूरी तरीके से तो अभी कोई बिल्कुल श्योरिटी से नहीं कह सकता, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं पूरी वर्ल्ड भर से तो कह रहे हैं कि ये जो म्यूटेंट स्ट्रेन है ये काफी खतरनाक है। और ऐसे तो म्यूटेशन वायरस का एक अपना नेचर होता है कि म्यूटेट करना और बहुत सारे वेरिएंट्स बनाता है, तो बहुत सारे जो वेरिएंट्स होते हैं काफी कमजोर होते हैं। और जो ये अंदेशा था कि कोविड एक तरह से नॉर्मल खांसी जुकाम की तरह रह जाएगा, ऐसे वेरियंट्स भी है इसमें, लेकिन इस वेरियंट के बारे में लोग कह रहे हैं कि ये काफी खतरनाक है, इसकी मोर्टेलिटी ज्यादा है। अभी 100% इसके ऊपर रिसर्च इससे नहीं हो पाई है क्योंकि लिमिटेड नंबर्स अभी इफेक्ट हुए हैं, तो उसके हिसाब से जैसे ये बीमारी या स्ट्रेन का प्रभाव बढ़ेगा वैसे हमको ज्यादा पता चलेगा। लेकिन समझदारी यही है कि हम मान के चले ये बहुत खतरनाक स्ट्रेन होगा क्योंकि कोविड अपना भयानक रूप हम सबको दिखा चुका है, और इसमें अब रिस्क लेने वाली बात नहीं है कि ये खतरनाक होगा कि नहीं, हमारे लिए हर म्यूटेशन खतरनाक है। और वैक्सीन्स भी एक स्पेसिफिक म्यूटेशंस म्यूटेंट स्ट्रेन्स के लिए सबके लिए नहीं बनी थी, वो भी इमरजेंसी ट्रायल के फॉर्म में आई थी, तो वैक्सीन से 100% प्रोटेक्शन पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। हाँ सेफ्टी जरूर है बहुत सारे स्ट्रेन्स के अगेंस्ट, तो हमें अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं कोविड प्रोटोकॉल्स उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, जो कोविड के गाइडलाइंस हैं, उनका जरूर फॉलो करना चाहिए और उसी वजह से हम इससे भी लड़ सकेंगे। अगर हम पिछले वायरस की तुलना करें, जो स्ट्रेन था उसके बाद डेल्टा जो आया उसके बाद भी, अब ये जो वायरस, इनकी दोनों की अगर हम तुलना करें तो ये वायरस कितना ज्यादा खतरनाक है पिछले वायरस की अपेक्षा? देखिए पिछला वायरस भी जैसे काफी रैपिडली प्रोग्रेसिव स्ट्रेन था जो सेकंड फेज ऑफ कोविड में हुआ, पहली फेज ऑफ कोविड के कंपैरिजन में जो म्यूटेशन हुआ था वो जो सेकंड फेज वाला था वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव था, और ये कहा जा रहा है कि ये थर्ड स्ट्रेन भी उतना या उससे थोड़ा ज्यादा ही अग्रेसिव है। और ये पता नहीं किस सिस्टम पे हमारे इफेक्ट करेगा, लोग कह रहे हैं डायरेक्टली लंग्स पे जाएगा, ये हमारे स्वाब से भी नेगेटिव आएगा, इसको टेस्ट करने का तरीका भी नहीं होगा, तो और जाएगा मोस्ट वही वायरल से अगर मुंह के नाक के मुंह के तरीके लेकिन डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो ये और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि कोई चीज हम टेस्ट कर लेते हैं तो अपने बचाव कर लेते हैं, अगर हम किसी चीज को टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें किस क्या चीज अफेक्ट कर रही है। तो बेसिक प्रोटेक्शन ही स्ट्रेन से बचाव है, जिसमें हम अपना मास्क लगा के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करके रहें कि जिससे हम शायद इन्फेक्ट ही ना हो पाए, हम इस स्ट्रेन को अपनी कंट्री में आने ही ना दें। बिल्कुल, इस स्ट्रेन को अपनी कंट्री में आने ही नहीं देना है, यही कोशिश हमको करना है। अगर हम देखें डॉक्टर तुलिका, तो भारत लगातार ये कोशिश कर भी रहा है, और जिस तरीके से हम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश ने ये जो जंग जीती है, इतना बड़ा प्रदेश होने के बाद कोविड के नाम मात्र के कुछ आंकड़े अब रह गए हैं शेष, लेकिन ये एकदम से नहीं हो गया, इसके पीछे बहुत संघर्ष रहा और सरकार की जो प्रतिबद्धता रही वो रही है, लेकिन ये बरकरार रहे, इसको लेकर हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे आप? ये बरकरार रहे, देखिए सरकार तो अपना काम करती रहेगी लेकिन बिना समाज के सपोर्ट के ये काम नहीं हो सकता है, और जरूरी है। आपने देखा कि जब कोविड की सेकेंड फेज आई तो हम सब लोग डर गए, और जब समाज भी जागरूक हुआ और सहयोग में खड़ा हुआ
तभी फिर शायद हम इस चीज को ओवरकम कर पाए, इस चीज की इस लड़ाई को जीत पाए। तो अभी जब सेकंड स्ट्रेन, ये जो दूसरा स्ट्रेन आ रहा है, इसके भयानकता के बारे में हमें पता है, तो कोशिश करिए कि मास्क लगा के रहें, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रहें। कहते हैं थोड़ी सावधानी शायद हमारी जान बचा ले, क्योंकि पिछली बार ये बहुत सारे लोगों में की जान ले गया कोविड, बहुत बर्बरता पूर्वक, जिसे कह सकते हैं कि इसने सब पे अपराध किया। इसने किसी को नहीं देखा, ना किसी की उम्र देखी, ना किसी के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखा, ना रिलीजन देखा, ना कास्ट देखा, इसने सब पे अटैक किया। तो ये ना सोचिए कि कोई विशेष है, हर आदमी स्ट्रेन के लिए एक आम आदमी है, और हमें जैसे आम आदमी अपनी मदद करता है और अपने को बचाव के रखता है, उसी तरह अपना भी बचाव करके रखना है और सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। बिल्कुल है, जो बेसिक जानकारी है वो सभी को रखना है, और इसको लेकर न्यू स्टेट लगातार सभी को जागरूक कर रहा है, और तभी हम इस वायरस से भी जीत पाएंगे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर तुलिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लॉकडाउन के काउंटडाउन के पीछे जो खास वजह है वो हमने अगर आपको बताया, अगर आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, आप लगातार बने रहिए न्यू स्टेट के साथ।